नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों के दायरे में आ सकते हैं और लोग, क्या है सेबी का प्रस्ताव। सेबी के नियमों के मुताबिक इनसाइडर ऐसे लोग व्यक्ति होते हैं जो कंपनी से जुड़े हों और उनकी कंपनी से जुड़ी अप्रकाशित संवेदनशील जानकारी तक पहुँचो। आगे पढ़ते हैं भाई, आगे क्या है। इनसाइडर ट्रेडिंग के नियमों का दायरा आने वाले समय में बढ़ सकता है। सेबी ने ऐसे कंसल्टेंट पेपर जारी किया जहां इनसाइडर ट्रेडिंग के नियमों के तहत कनेक्टेड पर्सन के दायरे और तर्कसंगत बनाने का प्रस्ताव दिया गया है। सेबी ने इस पेपर में पब्लिक और अन्य पक्षधारकों से 18 अगस्त तक जवाब मांगा है। इनसाइडर ट्रेडिंग में कंपनी से जुड़े लोग कंपनी की अप्रकाशित सूचनाओं को गलत तरीके से फायदा उठाते हैं। सेबी के नियमों के मुताबिक इनसाइडर ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कंपनी से जुड़ी हुई हो या उनकी अप्रकाशित संवेदनशील जानकारी तक पहुंचो। सेबी ने पाया कि कई बार ऐसे लोग भी संवेदनशील सूचनाओं तक पहुंच होती है जो मौजूदा नियमों के तहत इनसाइडर के दायरे में नहीं आते। यह इसलिए होता है कि इन लोगों का कंपनी से जुड़े अहम अधिकारियों या लोगों तक करीबी रिश्ता हो, जिससे उनकी पहुँच भी संवेदनशील सूचनाओं तक हो जाती है। अपने पेपर में सेबी ने कहा कि भले ऐसे लोग मौजूदा नियमों के तहत कनेक्टेड पर्सन के दायरे में ना हो, लेकिन कंपनी उससे कनेक्टेड लोगों से अपनी करीबी की वजह ऐसी स्थिति में हो सकते हैं कि इनसाइडर ट्रेडिंग कर सके। ऐसे में इन लोगों को भी इनसाइडर ट्रेडिंग करने वालों की संभावितों लिस्ट में रखा जा सकता है। इसी वजह से सेबी नियमों के बदलाव के जरिए कनेक्टेड पर्सन का दायरा बढ़ाने पर विचार कर रही है। इसके साथ ही सेबी इनसाइडर नियमों के तहत रिलेटिव की परिभाषा को भी तर्कसंगत बनाने का पक्ष में है। यानी ऐसे लोग जो कंपनी से कनेक्टेड लोगों से भी आगे किसी अन्य तरीके से जुड़े हों, जिसमें रिश्तेदारों से लेके कारोबारी संपर्क वाले लोगों को भी शामिल किया जा सकता है। तो ये थी दोस्तों कुछ सेबी से आई हुई न्यूज़, जहाँ पर हमको मिला कि इनसाइडर ट्रेडिंग जो है वो गलत तरीके से फ़ायदा उठाते हैं जो कि उनके रिलेटिव्स वगैरह होते हैं। जानकारी कैसी लगी वो बताना अपने कमेंट बॉक्स में नीचे, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करना, लाइक करना, और धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय माता दी।